नागपुर में भी खास अयोध्या के लिए एक ऐसी कड़ाही बनकर तैयार हुई है जिसे केवल क्रेन से उठाया जा सकता है। रसोई के लिए इस्तेमाल होने वाली इस कड़ाही का नाम है हनुमान कड़ाही। स्टैंड के साथ इसकी ऊंचाई लगभग है 6.5 फीट। इस कड़ाही को खास राम हलवा बनाने के लिए यह बनवाने के लिए बनाया गया है। इस कड़ाही में नया कीर्तिमान बनाया जाएगा क्योंकि इसमें अयोध्या में 6,000 किलो राम हलवा बनाया जाएगा। रसोई के लिए इस्तेमाल होने वाली किसी कढ़ाई का नाम कोई हनुमान कढ़ाई क्यों रखे? जी हाँ, इस कढ़ाई का नाम हनुमान कढ़ाई है। स्टैंड के साथ इसकी ऊंचाई लगभग 6.5 फीट होगी। डायमेंशंस देखे जाए तो 15 फीट बाय 15 फीट है और बताया जाता है कि इसकी क्षमता लगभग 15,000 लीटर की है और इसकी जो इसका जो वजन है वो वजन करीब 1800 किलो तक होगा। और ये एक ऐसी कढ़ाई है जिसे आप और हम नहीं उठा सकते, इसको उठाने के लिए क्रेन का ही इस्तेमाल करना होगा। हम बात करते हैं नागपुर के और महाराष्ट्र के मशहूर शेफ विष्णु मनोहर के, जिन्होंने इसका निर्माण करवाया है। विष्णु जी, NDTV से बात करने के लिए शुक्रिया। हमें ये बताइए कि ये इतनी बड़ी हनुमान कढ़ाई बनाने का प्रयोजन क्यों करना पड़ा? सबसे पहले मैं हनुमान कढ़ाई बनाने वाले हमारे मित्र इनका अभिनंदन करूंगा। और प्रयोजन इसलिए है कि प्रभु रामचंद्र अपने घर में 500 साल बाद जा रहे, तो उस खुशी में ये कढ़ाई बन रही, उस कढ़ाई में हलवा बना के हम इस उत्सव को साझा करेंगे। ये कब होने वाला है और वो कितना ज़्यादा कितने क्वांटिटी में वो हलवा होगा जिसे आप राम हलवा कह रहे हैं? जिसे राम हलवा कह रहे हैं हम, ये क्वांटिटी होगी तकरीबन 7,000 किलो।